ये वर्कशीट 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे में सॉल्व करते हैं। तो मैं एरो यहाँ पे लगा दी हूँ, जिस डायरेक्शन में एरो है, तो 7 × 5 = 35, 8 × −3 = −24 है। अभी 35 इज ग्रेटर देन −24 इम्प्लाइज 35 इस रैशनल नंबर के नीचे है, आप ऐसा सोचिए। तो इस रैशनल नंबर के नीचे 35 है, तो ये इम्प्लाई करता है कि 5/8 इज ग्रेटर देन −3/7। आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये फर्स्ट मेथड है, नहीं तो ऐसे इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एलसीएम ऑफ 8 and 7 = 56, तो सेम डिनोमिनेटर हम लोग कर लेते हैं, 5/8 = 5/8। 8 में 7 मल्टीप्लाई करने से 56 होता है, ऊपर भी हम लोग 7 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रैशनल नंबर का वैल्यू चेंज ना हो। तो ये 5 × 7 = 35/56, अभी −3/7 है, तो 7 में 8 मल्टीप्लाई करने से 56 होता है, तो ऊपर भी हम लोग 8 मल्टीप्लाई करें तो ये −24/56 होगा। अभी 35/56 और −24/56 को जब कंपेयर करेंगे, दोनों के डेनोमिनेटर हमारे सेम हैं, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो 35 > −24 है, इम्प्लाई करता है कि 35/56 > −24/56 इम्प्लाइज 35/56 इस नंबर का एक इक्विवेलेंट नंबर है, इम्प्लाइज 5/8 इज ग्रेटर देन −24/56 −3/7 का एक इक्विवेलेंट नंबर है। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे दो मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 और 8/9, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 × 2 = 18, 3 × 8 = 24, तो 18 less than 24 implies 18 इस रैशनल नंबर के नीचे है, तो ये जो रैशनल नंबर है 2/3 is less than 8/9। अब ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे हम लोग सेम डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो हम लोग सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 के साथ × 3 करेंगे, क्योंकि 3 नीचे हमारा मल्टीप्लाई होता है, ऊपर भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, तो 2/3 का एक इक्विवेलेंट नंबर 6/9 है। अभी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 8/9 ही, यानी दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं, तो 6/9 और 8/9 को कंपेयर करेंगे, 6 हमारा लेस देन 8 है, दिस इम्प्लाइज 6/9 जो है लेस देन 8/9 है, लेकिन 6/9 इस नंबर का एक इक्विवेलेंट नंबर इम्प्लाइज 2/3 is less than 8/9। इसमें हम लोग कुछ चेंज नहीं किए थे, इसलिए इस नंबर को डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे, एंड दिस इम्प्लाइज 8/9 is greater than 2/3, क्योंकि हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। तो इस केस में हमारा 8/9 ग्रेटर है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, तो −4/3 और −6/7। तो यहाँ पे जैसे मैं दो मेथड्स आप लोगों को दिखाई हूँ, आप इसमें से कोई एक मेथड कीजिए, दोनों को मत कीजिए कॉपी में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × −4 = −28, 3 × −6 = −18, अभी −28 is less than −18 implies
माइनस 20 इस रैशनल नंबर के नीचे है, माइनस 4/3 इज लेस देन माइनस 18 इस रैशनल नंबर के नीचे है, तो माइनस 4/3 इज लेस देन माइनस 6/7 इम्प्लाइज माइनस 6/7 इज ग्रेटर देन माइनस 4/3। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। जैसे पहले ऐसे ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 7 इक्वल टू 3 × 7 इक्वल टू 21। यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 56 में डायरेक्टली लिख दी थी, आप 8 × 7 इक्वल टू 56 ऐसे लिखिए इसको। अभी जैसे माइनस 4/3 है, डिनोमिनेटर को हमें 21 में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 7 करेंगे, इंटू 7 तो ये माइनस 28/21 है, माइनस 6/7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करने से हमारा 21 हो जाएगा, तो ये माइनस 18/21 हो जाएगा। अभी माइनस 18/21 है और माइनस 28/21 है, तो माइनस 18 इज ग्रेटर देन माइनस 28 इम्प्लाइज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, तो माइनस 18/21 इज ग्रेटर देन माइनस 28/21 इम्प्लाइज माइनस 18/21 इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो माइनस 6/7 इज ग्रेटर देन माइनस 4/3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये है, तो माइनस 8/3 और इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 19/-6 इक्वल टू 19/-6 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 19/6। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अभी जैसे माइनस 8/3 है और माइनस 19/6 है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × -8 इक्वल टू माइनस 48, 3 × -19 इक्वल टू माइनस 57। अभी माइनस 48 इस रैशनल नंबर के नीचे है, माइनस 8/3 और ये माइनस 57 इस रैशनल नंबर के नीचे है, तो माइनस 48 इज ग्रेटर देन माइनस 57 इम्प्लाइज माइनस 8/3 इज ग्रेटर देन माइनस 19/6। और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये माइनस 19/6 हुआ और ये माइनस 8/3 है, तो डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए हम लोग 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करें, तो ये माइनस 16/6 हो जाएगा। अभी माइनस 16/6 है और माइनस 19/6 है, दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, माइनस 16 इज ग्रेटर देन माइनस 19 इम्प्लाइज माइनस 16/6 इज ग्रेटर देन माइनस 19/6 इम्प्लाइज माइनस 16/6 इस नंबर का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो माइनस 8/3 तो इसके जगह पर हम लोग माइनस 8/3 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन माइनस 19/6, ये हमारा आंसर है। अब इसमें से यानी वन मेथड कीजिए, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस 5/21 जैसे है, हम लोग दो माइनस साइन को माइनस 5/-21 जैसे है, दो माइनस साइन को हम लोग कैंसिल करके 5/21 लिख सकते हैं। अभी माइनस 3/13 और 5/21 ऐसे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 21 × -3 इक्वल टू -63 और 13 × 5 इक्वल टू 65। अभी 65 ग्रेटर देन माइनस 63 है,
65 इस रैशनल नंबर के नीचे, इम्प्लाइज 5/21 इज ग्रेटर देन -3/13। ऐसे भी आप देखने से पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही नेगेटिव रैशनल नंबर से बड़ा है, लेकिन हमको मेथड से सॉल्व करना है, तो 5/21 इज ग्रेटर देन -13/3 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग डिनोमिनेटर के इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम ऑफ 13 and 21 इक्वल टू, तो 13 और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है तो 13 आ जाएगा, और 2 3 6, 2 1 2, 3 6+1 7, 273 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अभी -3/13 इक्वल टू इंटू ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर में 273 आए, और ये -63 हो जाएगा। 5/21 इक्वल टू, नीचे 13 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 13 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 65/273 हो जाएगा। अभी 65/273 और ये -63/273 है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम है, हमने न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, तो ये नंबर ग्रेटर देन दिस नंबर है, या 65 इज ग्रेटर देन -63 इम्प्लाइज 65/273 इज ग्रेटर देन -63, 65 इज ग्रेटर देन -63। आप ऐसे सोचिए, इम्प्लाइज 65/273 इस नंबर का एक इक्विवेलेंट नंबर है, इम्प्लाइज 5/21 इज ग्रेटर देन -63/273 इस नंबर का एक इक्विवेलेंट नंबर है, तो -3/13। तो इसके जगह पर हम लोग ये नंबर लिख देंगे और इसके जगह पर ये नंबर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है ये -7/11, 5/-8, तो 5/-8 को हम लोग पहले रैशनलाइज करेंगे, हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ताकि जो नेगेटिव साइन है डेनोमिनेटर में वो पॉजिटिव साइन हो जाए। तो ये हमारा -5/8 हो गया। अभी -7/11, -5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × -7 इक्वल टू -56, 11 × -5 इक्वल टू -55। तो ये जो नंबर इस रैशनल नंबर के नीचे है, तो ऐसे -7/11 और ये नंबर इस रैशनल नंबर के नीचे है, ऐसे लिख देंगे। अभी -56 इज लेस देन -55 इम्प्लाइज -55 इज ग्रेटर देन -56, तो ये जो -56 है ये इस रैशनल नंबर के नीचे, तो -7/11 इज लेस देन -5/8 इम्प्लाइज -5/8 इज ग्रेटर देन -7/11, ये हमारा आंसर है। इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एलसीएम ऑफ 11 and 8 इक्वल टू 11 × 8 इक्वल टू 88। यहाँ पर ऊपर में एलसीएम ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू 13 × 21 इक्वल टू 273, ऐसे लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अभी -7/11 इक्वल टू -7/11 × 8 × 8 करेंगे, 88 लाना है डिनोमिनेटर में, तो ये -56/88 -5/8 है, तो -5/8 ऊपर और नीचे 11 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 88 हमारे डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये -55/88 आएगा। अभी -55/88 है, -56/88 है, तो -55 इज ग्रेटर देन -56, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है,
हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे तो -55 इज ग्रेटर देन -56 इंप्लाइज -55/88 इज ग्रेटर देन -56/88 इंप्लाइज, ये लेकिन इस नंबर का एक इक्विवेलेंट नंबर है, -5/8 इज ग्रेटर देन, ये इस नंबर का एक इक्विवेलेंट नंबर है, -7/11, ये हमारा आंसर है। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, मैं दो मेथड्स दिखाई हूँ, आपको जो इजी लगता है आप अकॉर्डिंगली कीजिए उसको।